आप कई धर्म गुरु, महर्षि, बाबा, महंत के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप महर्षि महेश योगी जी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो उनके बारे में जानना दिलचस्प होगा। आज महर्षि महेश योगी जी की पुण्यतिथि है। महर्षि महेश योगी जी का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से फिलोसफी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली थी, जिसके बाद उन्होंने 40 और 50 के दशक में हिमालय में अपने गुरु से ध्यान और योग की शिक्षा ली थी। 5 फरवरी 2008 में 91 साल की उम्र में उनका नीदरलैंड स्थित अपने घर में निधन हो गया था। महर्षि योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दुनिया भर में लोकप्रिय है। देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां उन्हें आज भी अपना गुरु मानती हैं। 60 के दशक में ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के सदस्य भी महर्षि योगी के अनुयायी हुआ करते थे। उस समय पूरी दुनिया बीटल्स बैंड की दीवानी थी। महर्षि योगी के ऋषिकेश आश्रम में देश विदेश से लोग आकर रहते थे। बीटल्स ग्रुप भी यहाँ 3 महीने तक रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आश्रम बहुत खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था, लेकिन अब यह जंगल में तब्दील हो चुका है। बीटल्स की वजह से ही महर्षि योगी को पश्चिमी देशों में पहचान मिली थी। धीरे धीरे वहां के लोगों का झुकाव महर्षि योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तरफ बढ़ने लगा और सारी दुनिया उनकी ओर खींची चली आई। विदेशों में हिप्पी संस्कृति के बीच महर्षि योगी ने अपने योग और ध्यान के अद्भुत तरीके से लोगों के बीच एक नई जगह बनाई थी। भारत की बजाय विदेशों में ज्यादा अनुयायी होने पर भी उनका एक अपना तर्क था। एक इंटरव्यू में महर्षि योगी ने कहा था कि पश्चिमी देशों में लोग किसी चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण देखते हैं और उसे तुरंत अपना लेते हैं। मेरा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योग के सिद्धांतों पर काम करते हुए पूरी तरह वैज्ञानिक है। महर्षि योगी ने एक और बात के लिए काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने दावा किया था कि वो अपने भावातीत ध्यान के जरिए भक्तों को उड़ना सिखा सकते हैं। इसमें उनके भक्त फुदकते हुए उड़ने की कोशिश करते थे और इसे फ्लाइंग योगा कहा जाता था। महर्षि योगी ने इसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिद्धि प्रोग्राम का नया नाम दिया था। उनका दावा था कि फ्लाइंग योगा की थ्योरी के लिए बहुत शोध किया गया है। ये बातें आज के दौर में हैरान करने वाली लग सकती हैं। पश्चिम में जब हिप्पी संस्कृति अपने चरम पर थी, तो इसी के समानांतर दुनिया भर के लोग महर्षि योगी के पीछे चलना चुन रहे थे। इनकी संख्या हजारों से शुरू हुई और देखते देखते लाखों तक पहुंच गई थी। ध्यान और योग के लिए विदेशी हस्तियों का भारत की ओर रुख करना कोई नई बात नहीं है। आज के दौर की बात करें तो एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग भी योगा ध्यान के लिए भारत के कायल रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।